राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक किसी बड़े विवाद से बची रही और इस यात्रा के साथ अब एक विवाद जुड़ता दिख रहा है। दरअसल राज्य के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के रैली में शामिल होने को लेकर कांग्रेस की यात्रा सवालों के घेरे में है। सियासी गलियारों में नाराजगी इस कदर है कि प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह पर राजनीतिक दल 2018 के कठुआ गैंगरेप और मर्डर मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में कठुआ में 8 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के कथित अपराधियों का समर्थन दिया और हिंदू एकता मंच के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दिया। इन आरोपों के बाद लाल सिंह को पीडीपी बीजेपी कैबिनेट से हटा दिया गया। यहां तक मामले में उन्हें बीजेपी से भी इस्तीफा देना पड़ा। वहीं राहुल की यात्रा में चौधरी लाल सिंह का नाम सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जिसमें अब्दुल्ला ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में किसी को पाप धोने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग व्हाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। गौरतलब है कि 63 साल के चौधरी लाल सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बतौर छात्र नेता की। दो पहली बार 1986 में कठुआ जिले के बसोहली सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 2002 में वो पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री बने। साल 2004 और 2009 में वो उधमपुर से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे कि 2014 में टिकट नहीं मिलने के चलते वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में बसोहली से बीजेपी के टिकट पर चौधरी लाल सिंह ने फिर जीत हासिल की और इस बार राज्य में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और एक बार फिर मंत्री बने। लेकिन 2018 में कठुआ गैंगरेप के आरोपी का समर्थन का आरोप लगने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कठुआ मामले के अलावा 2014 में सिंह पर एक महिला डॉक्टर ने भी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा चौधरी लाल सिंह पर 2016 में किसानों और 2018 में मीडिया कर्मियों को धमकाने का भी आरोप है। खबरों की माने तो पूर्व मंत्री लाल सिंह को यात्रा में शामिल होने की अनुमति मिलने पर प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद यात्रा को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। उधर 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में गुरुवार शाम पठानकोट पंजाब के रास्ते लखनपुर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज जम्मू कश्मीर पहुंचने की बहुत खुशी है क्योंकि अपने घर जा रहा हूं जहां से मेरे पूर्वजों की जड़ें जुड़ी हैं और सीखता समझता जा रहा हूं खुद को, हर प्रदेश को, अपने देश को। बहरहाल आज बारिश के बावजूद राहुल गांधी की यात्रा नहीं रोकी गई, जहां यात्रा में राहुल के साथ संजय राउत भी पद यात्रा करते दिखे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।